तो कंटिन्यू करते हैं अपने सर्वे के इस लेक्चर सीरीज को। फर्स्ट चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग। आज उसका सेकंड पार्ट है। कल हमने क्या क्या देख लिया था? डेफिनेशन पहले देखे थे और रिलेटिव पोजीशन की रियल मीनिंग को समझे थे विद एन एग्जाम्पल। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे देखे थे। तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वे के, टू प्रिपेयर मैप एंड प्लान। कोई भी सर्वे आप परफॉर्म करते हो, चाहे जेन सर्वे या कंपोज सर्वे, उसका एंड रिजल्ट होता है मैप और प्लान बनता है, कोई एक स्केल एज्यूम करके। फिर मैप एंड प्लान की हेल्प से हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ताकि जिससे फिर कॉस्ट एस्टिमेट कर सकें। और फिर फाइनल अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी मैप एंड प्लान हमने प्रिपेयर किया है उसको सेट करें फील्ड पे। थर्ड वाले ऑब्जेक्टिव को एक एग्जाम्पल से समझे थे। नेक्स्ट फिर हम लोग देखे थे कुछ अर्थ के बारे में, डायमीटर के बारे में, उसके पोलर पोलर एंड इक्वेटोरियल डायमीटर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का नया टॉपिक हमारा रहेगा प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। तो प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे तो हमने कर दिया। दो होते हैं मेनली डिवीजन सर्वे के, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। तो ये तो हो गया डिवीजन। अब किस बेसिस पे डिवीजन किया गया है कि एक को हमने बोल दिया प्लेन, एक को बोल दिया जियोडेटिक। प्लेन से समझते हैं। प्लेन का मतलब होता है क्या? फ्लैट। कोई भी सरफेस है उसको हमने फ्लैटन अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसमें मतलब कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया है, कोई भी कर्व नहीं है। अर्थ इसमें फ्लैट अज्यूम किया हुआ है, कर्वेचर कंसिडर नहीं है। जियोडेटिक में कंसिडर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था अर्थ कर्वेचर के बारे में कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। कितना? पोल टू पोल डायमीटर अलग एंड इक्वेटोरियल डायमीटर अलग। तो प्लेन सर्वे में अज्यूम करते हैं नो कर्वेचर। तो ये अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं कि इसमें कर्वेचर का इफेक्ट नहीं है। तो ये अजम्पशन आखिर कब तक वैलिड है, यही हमको समझना है, ठीक है। मान लो आप एक ग्राउंड पे खड़े हो, सामने पूरा खाली मैदान है, उस पे आपको कर्वेचर फील होता है क्या? नहीं होता। तो ये सर्वे अजम्पशन हमारा प्लेन सर्वे वैलिड है फॉर स्मॉलर एरियाज। लार्ज एरिया में कर्वेचर ऑफ अर्थ हमारा पिक्चर में आ जाता है, तो उसमें हम लोग करते हैं जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। स्मॉलर एरिया के लिए क्या करते हैं? प्लेन सर्वे। अब स्मॉलर एरिया तो बोल दिया, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो कितना स्मॉल एरिया होना चाहिए? 195 स्क्वायर किलोमीटर से कम। और डिस्टेंस के टर्म में बात करें तो 12.5 किलोमीटर से कम। अलग अलग लिटरेचर में इसकी आपको थोड़े अलग वैल्यू देखने को मिल सकती है। ये 12.5 जो मैंने लिखा है, ये कहीं 18.5 भी दिख सकता है, ये 195 है, ये 250 या और कुछ भी दिख सकता है। तो 2016 के बाद से ये वाली वैल्यू नहीं ली गई है, नया ये अडॉप्ट किया गया है, तो हम लोग इसी को कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो प्लेन सर्वे समझ आ गया कि छोटा एरिया रहेगा, 195 स्क्वायर किलोमीटर से लेस रहेगा, तो कर्वेचर को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर तक हम लोग कर्वेचर को नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। अब आगे हमको ये समझना है कि ये वैल्यू 195 ही क्यों, डिस्टेंस 12.5 ही क्यों, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। पहले डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस के लिए समझते हैं। ये मान लो कोई एक आर्क है आपका, आर्क है पी क्यू, दो पॉइंट मार किया। इस आर्क की लेंथ है 12.5 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग इसको ज्वाइन करके देखते हैं। इस पी एंड क्यू को ज्वाइन किया, ये क्या है? पी क्यू क्या है? ये रेड वाला, ये है कॉर्ड, कॉर्ड लेंथ। ये आर्क लेंथ से हमारा लेस होगा, ठीक है। देख के ही समझ आ रहा है कि ये लेस होगा, और ये लेस होता है, ठीक है। लेस तो होता है, लेकिन कितना लेस होता है? 1 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना है? 12.5 किलोमीटर। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसके सामने इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू है, नेगलेक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर को नेगलेक्ट किया, तो ये क्या हो गया? आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ हमारे बराबर हो गए, ठीक है। आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ बराबर हो गए, इसका मतलब है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं किया गया है। कर्वेचर ऑफ अर्थ का कोई रोल नहीं है,
इसलिए ये वैल्यू 12.5 लिए हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस तक कर्वेचर ऑफ अर्थ का इफेक्ट उतना हमको नज़र नहीं आता है, निगलेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 12.5 तक हम लोग प्लेन सर्वे अपना परफॉर्म कर सकते हैं, उसके आगे फिर जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ आ गया 12.5 क्यों लिया। अब 195 को समझते हैं। ये मैंने एक अर्थ बना के रखा है, अर्थ कैसा है, कर्व है, तो इसके ऊपर हम लोग लाइन खींचेंगे, तो लाइन भी कैसा होगा, कर्व होगा। खींचते हैं लाइन, एक और, तीन लाइन हमने खींचा, ये तीनों लाइन तीन जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मार्क कर देते हैं P Q R। अब ये P Q R इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये P Q R क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, है कि नहीं। P Q R एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल ऐसा है क्या, नहीं, ये स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन थोड़ा कर्व कर्व है। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन वाले ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन ट्रायंगल। लेकिन इसमें ये कुछ कैसा है, ऐसा कुछ है, ये कुछ ऐसा है, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं जो कर्व से मिलके बनता है, स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। अब देखो, फॉर प्लेन ट्रायंगल, प्लेन ट्रायंगल के लिए हमको पता है अगर तीनों एंगल का हम लोग सम करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री, और इन तीनों एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। लेकिन स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए जब हम लोग तीनों एंगल का सम करेंगे तो बताओ ये 180 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि दिख रहा है ये लाइन किससे बन मिलके बना है, ट्रायंगल किससे बना है, कर्व से बना है। तो ये कर्व की लेंथ, ये वाली कर्व की लेंथ कॉर्ड से ज़्यादा होती है स्ट्रेट वाले से, तो ये एंगल भी ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, ई डिग्री ज़्यादा होगा। इस ई डिग्री को बोलते हैं स्फेरिकल एक्सेस, स्फेरिकल एक्सेस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हमारा जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो इस स्फेरिकल एक्सेस की वैल्यू कितनी होती है पता है, 1 सेकंड, ठीक। अब ये 180 डिग्री के सामने 1 सेकंड क्या है, 180 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो उसके सामने तो ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो अगेन हम लोग पहले वाले केस के जैसे इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको नेगलेक्ट किया तो क्या हो गया, स्फेरिकल ट्रायंगल इज इक्वल टू प्लेन ट्रायंगल हो गया। और स्फेरिकल एक्सेस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कर्वेचर को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अगेन हम लोग ये कह सकते हैं कि अप टू 195 किलोमीटर स्क्वायर कर्वेचर ऑफ अर्थ कैन बी नेगलेक्टेड एंड वी कैन परफॉर्म प्लेन सर्वे। लेकिन उससे ज़्यादा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, जियोडेटिक सर्वे हो गया। ये था बेसिक डिफरेंस प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बीच में। अब इसी बेसिस पे हम लोग आगे कुछ और डिफरेंस को समझते हैं। अच्छा ये बताओ कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे इन दोनों में ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा, जियोडेटिक एक्यूरेट होगा, क्योंकि जियोडेटिक में कर्वेचर को कंसिडर किया गया है और कर्वेचर अर्थ में एक्चुअली में होता है, तो ये एक्चुअल कंडीशन पे बेस्ड है इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ये किस पे बेस्ड है, अजम्पशन पे बेस्ड है, तो जियोडेटिक सर्वे ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। एक्यूरेसी देख ली, एंगल कैसा रहता है इसमें, प्लेन सर्वे में कैसा एंगल मेजर करते हैं,
प्लेन एंगल, जियोडेटिक सर्वे में कैसा, स्फेरिकल एंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल, प्लेन सर्वे में प्लेन ट्रायंगल। डिस्टेंस देख लिया, एरिया देख लिया, उसके बाद कर्वेचर नेगलेक्ट कर लिए। इसमें कर्वेचर होता है, ये लेस एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट, इसमें प्लेन एंगल, इसमें स्फेरिकल एंगल। एक और पॉइंट बच गया है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के बेसिस पे डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं दो सरफेस लेता हूँ, ये फ्लैट सरफेस, ठीक है, फ्लैट सरफेस, और ये जो अर्थ है उसका एक टुकड़ा मैंने काट के ले लिया है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला हम लोग कट करके ले लिए। यहाँ पर एक बॉल है, दो बॉल लिया मैंने, एक और ले लेता हूँ, तीन बॉल ले लिया। इसको जब मैं यहाँ से नीचे गिराऊंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे गिरेगा, ये ऐसे नीचे गिरेगा और ये भी ऐसे नीचे गिरेगा। ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी शो कर रही है। कैसे दिख रहे हैं ये तीनों, पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इस पैरेलल, वी कैन से दैट ग्रेविटी की डायरेक्शन पैरेलल है। किस केस में, फ्लैट में, फ्लैट कब रहता है, प्लेन सर्वे में, ठीक है। तो प्लेन सर्वे में डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पैरेलल है। अब यहाँ पे लिए हमने दो बॉल, इसको मैं नीचे गिराऊंगा तो ये कैसे गिरता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी किस तरफ गिरेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये भी जाने की कोशिश करेगा अर्थ के सेंटर की तरफ और इधर कहीं जाके ये लोग मिट जाएंगे। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ पे। अब ये दोनों पैरेलल है क्या, नहीं है पैरेलल। कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर किया है, मतलब जियोडेटिक सर्वे है ये, और जियोडेटिक सर्वे में डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नॉट पैरेलल। तो ऐसा करके हमने चार पांच इस दोनों प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बीच में डिफरेंस देखा। अब इसको एक जगह पे बढ़िया से लिख लेते हैं ताकि अपने को हमेशा के लिए याद रह सके। कर्वेचर प्लेन सर्वे में कैसा था, कर्वेचर नेग्लेक्टेड, और जियोडेटिक सर्वे में क्या किया था, कर्वेचर को कंसिडर। नेक्स्ट है एरिया, एरिया यहां पे लिख लो, एरिया एंड डिस्टेंस। एरिया अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो प्लेन सर्वे कर लेंगे, और डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर से लेस है तो प्लेन सर्वे कर लेंगे, और इधर ज़्यादा रहेगा तो जियोडेटिक सर्वे करेंगे। एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट बिकॉज बेस्ड ऑन अपॉन एजम्पशन, एंगल प्लेन एंगल, या बोल सकते हैं प्लेन ट्रायंगल। इधर मोर एक्यूरेट और एंगल कैसा, स्फेरिकल एंगल। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी कैसा था, पैरेलल, और ये नॉट पैरेलल। कन्वर्ज टू सेंटर ऑफ अर्थ, ये था बेसिक डिफरेंस या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। इसमें से क्वेश्चन पूछता है और ये लेक्चर देख लिया, मतलब और कोई क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं, आपको मेरे ख्याल से सब याद भी हो चुका होगा, ठीक है। तो इसको यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को ऐसे ही डिटेल में समझेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।